आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के बाद नाराजगी का दौर जारी है। बैठक में नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह भड़क गए हैं। एक्स पर लक्ष्मण सिंह ने पोस्ट किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया। अजय सिंह ने कमेटी की बैठक की तस्वीरें शेयर की थी और इसी पर लक्ष्मण सिंह ने ये पोस्ट किया है और उन्होंने ये लिखा है कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया। तो देखिए, कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई और इससे नाराज हो गए लक्ष्मण सिंह, क्योंकि उन्हें इस बैठक में नहीं बुलाया गया और इस बात पर वो भड़क गए। और जो फोटो पोस्ट की गई थी अजय सिंह की तरफ से, उस पर उन्होंने ये कमेंट करते हुए लिखा कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया। हमारे सहयोगी विवेक पांडे इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, सवाल तो ठीक पूछ रहे हैं ना लक्ष्मण सिंह कि आखिर उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, लेकिन एक बात तो ये भी है कि लक्ष्मण सिंह अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं बीते दिनों, तो कहीं यही तो कारण नहीं है या फिर और कोई कारण है? देखिए प्रतिज्ञा, एक बात तो है कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के लक्ष्मण सिंह सदस्य नहीं है, लेकिन एक बड़ी बात है कि जब वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह से ये पूछ रहे हैं कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया है, तो ऐसे में जीतू पटवारी का भी हाल ही में बयान आ गया है। जीतू पटवारी ने कहा कि लक्ष्मण सिंह गलत फोरम पर बात उठा रहे हैं, उनको AICC से पूछना चाहिए कि आखिर उन्हें कमेटी में क्यों नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो बैठक होती है, जो सदस्य बनाए जाते हैं, वो AICC तय करता है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तय करती है। ऐसे में ये बात तो जीतू पटवारी ने कह दी, लेकिन ये वही लक्ष्मण सिंह हैं और दिग्विजय सिंह के भाई हैं। बड़ी बात है कि जीतू पटवारी से लेकर शीर्ष हाईकमान तक ये अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और सवाल उठा चुके हैं, तो ऐसे में अजय सिंह का पोस्ट करना कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, तो अजय लक्ष्मण सिंह ये कहने से नहीं चूके कि आखिर उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है, क्या लक्ष्मण सिंह ये चाहते हैं कि जैसे दिग्विजय सिंह को सदस्य बनाया गया है, लक्ष्मण जयवर्धन सिंह यानी कि भाई और भतीजे को सदस्य बनाया गया है, अब चाचा को भी उस कमेटी का हिस्सा बनना है। बहरहाल जीतू पटवारी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि लक्ष्मण सिंह को अगर कमेटी को लेकर कोई बात करनी है तो वो AICC के पास जाए, AICC से पूछे कि आखिर उन्हें कमेटी में क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि वही सदस्य कमेटी में मौजूद हो सकते हैं जो उसके सदस्य हैं और लक्ष्मण सिंह उसके सदस्य नहीं है, या फिर वो चाहते हैं कि उन्हें सदस्य बनाया जाए, उनकी मंशा है कि उन्हें सदस्य बनाया जाए, क्योंकि पार्टी में कई तरीके की बात वो पहले भी कह चुके हैं, कई सदस्यों से नाराज रह चुके हैं, यहां तक कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई तो जीतू पटवारी को उन्होंने सवालों के घेरे में रख लिया, और इसके अलावा जब जीतू पटवारी दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गए तो उन्होंने ये तक कह दिया कि जो शीर्ष हाईकमान है उसे ही मार्गदर्शन की जरूरत है, तो फिर जीतू पटवारी आखिर मार्गदर्शन किससे ले रहे हैं? तो ये तमाम सारी बड़ी बातें हैं कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक को लेकर कांग्रेस नेताओं में जो खींचतान दिख रही है वो ये स्पष्ट बताती है कि कांग्रेस भले ही कितने रिफॉर्म कर ले, कितने बदलाव कर ले, लेकिन जो नेताओं की अंदरूनी अंतर्कलह है वो ऐसे ही पोस्ट के जरिए निकल के सामने आती है। प्रतिज्ञा, बिल्कुल विवेक, अब जीतू पटवारी ने तो कह दिया है कि आपको नाराजगी है तो AICC के पास जाइए, लेकिन देखना होगा कि लक्ष्मण सिंह इसको कैसे लेते हैं और आगे इस बात को कैसे रखते हैं। ये बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए आपका।